नेक्स्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है BET एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म विच इज मल्टी मोलिकुलर थेरी। अब तक हमने जो भी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखे हैं वो सिर्फ यूनिमोलिकुलर थेरीज थे, मतलब वहाँ पर एड्सॉर्प्शन सिर्फ सिंगल लेयर पर हो रहा था, यहाँ पर मल्टी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की लेयर फॉर्म होगी। द अबव वेरिड टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन वेयर सब्सिक्वेंटली एक्सप्लेन बाय अ थेरी डेवलप्ड बाय ब्रूनर इमेट एंड टेलर इन 1931। BET एड्सॉर्प्शन थेरी जो है ये ब्रूनर इमेट और टेलर इन्होंने एक्सप्लेन की है इन 1931। दे एक्सटेंडेड द लैंगमुर्स कंसेप्ट एंड प्रपोज दैट इवन आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोलेयर अदर लेयर्स ऑफ द एड्सॉर्बेट मे कंडेंस ऑन द फर्स्ट लेयर। BET एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये लैंगमुर कंसेप्ट का एक्सटेंशन है, मतलब उसी थेरी को इन्होंने एक्सटेंड किया है। और इस थेरी में बताया है कि जैसे लैंगमुर थेरी में हमने देखा था कि सिंगल लेयर फॉर्म हो रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सिंगल लेयर फॉर्म होगी किसी भी एड्सॉर्बेट की, मतलब अगर गैसियस मॉलिक्यूल मेटल के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहे हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की एक सिंगल लेयर शुरुआत में तैयार होगी, मे कंटेंस ऑन द फर्स्ट लेयर। अब फर्स्ट लेयर जब एड्सॉर्ब हो जाएगी गैसियस मॉलिक्यूल की तो उसके ऊपर सेकंड मॉलिक्यूल की लेयर एड्सॉर्ब होगी, सेकंड लेयर पे थर्ड लेयर एड्सॉर्ब होगी और ऐसे ही होगा, मतलब मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होगी। दैट इज एड्सॉर्प्शन इज मल्टी मॉलिक्यूलर दो द लैंगमुर आइडिया ऑफ फिक्स्ड एड्सॉर्प्शन साइट्स वॉज रिटेन। सिर्फ इस थ्योरी में यही बताया है, यही मॉडिफिकेशन किया है कि यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होगी। और लैंगमुर ने जो आइडिया बताया था कि फिक्स एड्सॉर्प्शन साइट्स होती है किसी भी मटेरियल की, मतलब अगर मेटल सरफेस है तो उसके ऊपर सपोज एन नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स होगी तो वो फिक्स होगी। तो ये फिक्स एड्सॉर्प्शन साइट का आइडिया जो लैंगमुर ने दिया था वो रिटेन करते हुए सिर्फ इसमें मॉडिफिकेशन ये दिया है कि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म होगी ना कि सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर। नाउ पोस्टुलेट्स ऑफ BET इक्वेशन। BET इक्वेशन के पोस्टुलेट्स क्या है? द एड्सॉर्ब लेयर मे बी पॉलीमोलिकुलर इन थिकनेस, मतलब वही कि जब कोई भी सब्सटेंस की लेयर किसी मटेरियल के ऊपर एड्सॉर्ब होगी तो वो लेयर पॉलीमोलिकुलर हो सकती है, मतलब मल्टी मोलिकुलर हो सकती है इन थिकनेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सिंगल लेयर फॉर्म करेगा। सेकंड पोस्टुलेट है लैंगमुर्स अजम्पशन अप्लाइज टू एवरी लेयर। अब लैंगमुर ने जो सिंगल लेयर के बारे में बताया था तो यहाँ पर BET इक्वेशन में मल्टी लेयर बताया है। लैंगमुर इक्वेशन में सिंगल लेयर के ऊपर जो भी अजम्पशन अप्लाई किए थे हमने वैसे ही BET इक्वेशन में भी हर लेयर के ऊपर हम लैंगमुर इक्वेशन या लैंगमुर अजम्पशन को अप्लाई करेंगे। देयर इज़ ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सक्सेसिव लेयर
हर लेयर मतलब फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इन सभी लेयर्स में वहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑन द प्रेसिडिंग लेयर। मतलब सपोज ये एक मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गए। सबसे पहले ये फर्स्ट लेयर है जो फॉर्म की है, इसके बाद में सेकंड लेयर फॉर्म होगी इसके ऊपर या एड्सॉर्ब होगी, इसके ऊपर थर्ड लेयर एड्सॉर्ब होगी। तो यहाँ पर क्या बताया है कि सक्सेसिव लेयर में डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इन लेयर्स में डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा। और जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है फ्रॉम द फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑन द प्रेसिडिंग लेयर। मतलब सपोज इस लेयर से मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, गैसेस मॉलिक्यूल, तो इसका इवेपोरेशन का रेट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑन द प्रेसिडिंग लेयर। प्रेसिडिंग लेयर मतलब सेकंड लेयर, तो सेकंड लेयर के ऊपर कितने मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गए उतने ही मॉलिक्यूल थर्ड लेयर से इवेपोरेट हो जाएंगे। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, या उसको बोलेंगे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। फोर्थ अजम्पशन क्या है? द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज एक्सपोनेंशियली इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द इक्विलिब्रियम इवेपोरेशन रेट एक्सप्रेशन। जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगी वो एक्सपोनेंशियली इन्वॉल्व होगी इन ईच ऑफ द इक्विलिब्रियम इवेपोरेशन रेट एक्सप्रेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन का जो भी इक्वेशन हम बनाएंगे उसके इक्विलिब्रियम में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्सपोनेंशियली इन्वॉल्व होगी। द डेरिवेशन इज बेस्ड ऑन द सेम काइनेटिक पिक्चर एंड द अजम्पशन दैट द कंडेंसेशन फोर्सेस आर द प्रिंसिपल फोर्सेस इन एड्सॉर्प्शन। जो भी बीटी का डेरिवेशन होगा वो बेस्ड होगा ऑन द काइनेटिक पिक्चर, मतलब थर्मोडायनेमिक पिक्चर पर वो बेस नहीं होगा, काइनेटिक पिक्चर पर बेस होगा। काइनेटिक मतलब हम बोल सकते हैं कि रेट पे डिपेंड होगा। एंड द अजम्पशन दैट द कंडेंसेशन फोर्सेस आर द प्रिंसिपल फोर्सेस इन एड्सॉर्प्शन। जो भी कंडेंसेशन फोर्सेस मतलब एड्सॉर्प्शन फोर्सेस होंगे वही प्रिंसिपल फोर्सेस होंगे, मतलब मेन फोर्स होंगे। सिक्स अजम्पशन है, द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इन ईच लेयर अदर देन द फर्स्ट इज इक्वल टू द हीट ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ द बल्क एड्सॉर्बेट मटेरियल। जो भी हर लेयर का हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा फर्स्ट लेयर को छोड़ के, सेकंड और थर्ड लेयर इनका जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा वो होगा इक्वल टू द हीट ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ द बल्क एड्सॉर्बेट। सो ये है अजम्पशन ऑफ बीटी इक्वेशंस। सो बीटी इक्वेशन इज पी अपॉन वी टोटल इंटू पी जीरो माइनस पी इज इक्वल टू वन अपॉन वी मोनो इंटू सी प्लस सी माइनस वन अपॉन वी मोनो इंटू सी
इंटू पी अपॉन पी ज़ीरो। अब यहाँ पर वी टोटल क्या है, वी टोटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड एट प्रेशर पी, वी मोनो इज वॉल्यूम एडसॉर्ब्ड व्हेन सरफेस इज कवर्ड विथ मोनोलेयर, एंड सी इज इक्वल टू ई टू द पावर ई वन माइनस ई एल अपॉन आर डी। दिस इज द कॉन्स्टेंट फॉर गिवन गैस। अब अगर हमें पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर बेट इक्वेशन को हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में अगर हमको चाहिए, तो हमें मिलता है y एक्सिस पर क्या मिलेगा, p अपॉन v टोटल इंटू पी ज़ीरो माइनस पी। स्लोप मतलब m क्या है, c माइनस वन अपॉन वी मोनो इंटू सी, ये हो गया हमारा स्लोप मतलब m। x एक्सिस पर मिलेगा हमें p अपॉन पी ज़ीरो, एंड c दैट इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होगा ये वन अपॉन वी मोनो इंटू सी। तो अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ निकालते हैं, तो y एक्सिस पर p अपॉन v टोटल इंटू पी ज़ीरो माइनस p, ये आएगा y एक्सिस पर, x एक्सिस पर आएगा p अपॉन पी ज़ीरो। हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसका इंटरसेप्ट होगा वन अपॉन v मोनो इंटू सी, और स्लोप होगा स्लोप दैट इज m c माइनस वन अपॉन v मोनो इंटू सी। ये हो गया हमारे बेट इक्वेशन का स्लोप। मतलब बेट इक्वेशन का अगर हम ग्राफ निकालते हैं, p अपॉन v टोटल इंटू पी ज़ीरो माइनस पी वर्सेस p अपॉन पी ज़ीरो, तो हमें मिलती है स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा c माइनस वन अपॉन v मोनो इंटू सी। अब अगर इसकी हम एप्लीकेशंस देखते हैं, तो एप्लीकेशंस में बेट इक्वेशन इज़ यूज्ड इन डिटरमिनेशन ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है। द डिटरमिनेशन ऑफ सरफेस एरिया इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस विच आर इन्वॉल्विंग पाउडर्ड और पोरस सॉलिड। सपोज एक सॉलिड मटेरियल है जो कि पोरस है, या तो उसको हमने पाउडर्ड फॉर्म में कर लिया है, तो ऐसे पाउडर्ड सॉलिड के ऊपर जब किसी मॉलिक्यूल का या किसी सब्सटेंस का एडसॉर्प्शन होता है, तो ये एडसॉर्प्शन डिपेंड होता है कि उस सॉलिड का सरफेस एरिया कितना है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा सॉलिड का, उतना ज़्यादा एडसॉर्प्शन होगा। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व पाउडर्ड सॉलिड। सेकंड एप्लीकेशन क्या है बेट इक्वेशन का, द सरफेस अवेलेबल इन द एक्टिवेटेड कार्बन हैज़ बीन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन मेनी इंडस्ट्रीज। जो एक्टिवेटेड चारकोल या एक्टिवेटेड कार्बन होता है, जो डर्ट रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं हम, एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर डर्ट एड्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस के ऊपर से हम डर्ट निकालने में हमें इजी हो जाता है। इसीलिए डर्ट निकालने के लिए हम एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर डर्ट एड्सॉर्ब हो जाता है, मतलब वहाँ पर भी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। तो ऐसे एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर जितना सरफेस अवेलेबल होगा,
उतना ही ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा डर्ट रिमूव होगा। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इस फिनोमिनन को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सरफेस एरिया का कैलकुलेशन होता है यूजिंग बेट इक्वेशन। मतलब किसी पाउडर सॉलिड के ऊपर भी कितना सरफेस एरिया अवेलेबल होगा इस पर डिपेंड होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। वैसे ही एक्टिवेटेड कार्बन या एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर जितना सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन निकालने के लिए हमें सरफेस एरिया का पता होना इम्पॉर्टेंट है, और सरफेस एरिया हमें बेट इक्वेशन से पता चलता है। मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया प्रोवाइड्स मच इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सरफेस ऑफ अ कैटलिस्ट। ऐसे ही जब किसी भी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट के वजह से रिएक्शन का रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, तो ऐसे कैटलिस्ट का सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो कैटलिस्ट पर ज़्यादा रिएक्टेंट एड्सॉर्ब होगा और रिएक्शन फास्ट होगी। तो इसीलिए कैटलिस्ट का सरफेस एरिया भी पता होना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कैटलिस्ट का सरफेस एरिया हमें पता चलता है, उसको हम मेज़र करते हैं, तो हमें कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर का कंपोजिशन पता चलता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बेट इक्वेशन।